नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति का। आइरो करते हैं खबर की ओर। उप जिलाधिकारी को जन सुरक्षा के तहत बंदरों के आतंक से निजात हेतु संगठन ने दिया ज्ञापन। मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत के जिलाध्यक्ष तौसीफ खां व उनकी टीम ने उप जिलाधिकारी दीक्षा जोशी से मुलाकात कर शिष्टाचार भेंट के उपरांत उनको ट्रॉफी भेंट की और नगर व मोहल्ले में बढ़ते बंदरों के आतंक को लेकर व उनको पकड़वाने हेतु एक लिखित ज्ञापन दिया। अब जिलाधिकारी ने संगठन को जल्द ही बंदर पकड़वाने व निजात दिलवाने का आश्वासन दिया। मोल्ला, महुआ, टोला व नई बस्ती बजरिया में बंदरों के आतंक से आम जनमानस प्रभावित है। घरों से बाहर महिलाएं व बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया। बच्चों को स्कूल जाते समय या आदमखोर बंदर चोटिल कर देते हैं। इन बंदरों के कारण काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। लगातार क्षेत्र में बंदरों से चोटिल होने की घटनाएं सामने आ रही। इस मौके पर मानवाधिकार के जिला सचिव शहीक सिद्दीकी, तहसील महासचिव जुनैद खान, शिबू नगर उपाध्यक्ष सुल्तान खान, एडवोकेट इब्रत एवं वार्डवासी फरीद खान, शादान खान, अनिल शर्मा, अतुल शर्मा, नीरज कुमार, राजकुमार आदि मौजूद हैं। के संबंध में उप जिलाधिकारी को आपने ज्ञापन देना है आज? मैं तौसीफ खान, जिलाध्यक्ष मानवाधि का। आज मैंने जो ज्ञापन दिया है वो बंदरों को पकड़ने हेतु दिया है। हमारे मोहल्ला महुआ टोला में काफ़ी संख्या में बंदर बढ़े हुए हैं, जो कि कम से कम 15 से 20 लोगों को काट के बुरी तरह से जख्मी कर चुके हैं। आज मैंने उप जिलाधिकारी को यही शिकायत दी कि उनमें से जो 3 से 4 बंदर बहुत ज़्यादा ही इकट्ठे हो चुके हैं, उनको पकड़कर कहीं जंगल में छुड़वाने का काम करें। और जो वहाँ पर हमारे व्यक्ति, जो मोहल्ले के परेशान लोग हैं, पीड़ित व्यक्ति, उनको आराम मिल सके। क्या आश्वासन दिया आपको? मैडम ने बोला ठीक है, मैं आपका ये शिकायत जो हूँ भेजती हूँ और जल्द ही इसका निस्तारण करूँगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।